नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं नीलिशा और आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं एक और इंटरेस्टिंग डी आई यस yes, आज का वीडियो होने वाला है लैगिंग डी आई वाई डी आई वाई मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट डी आई वाई में से एक है बिकॉज एक तो ये बहुत आसानी से क्रिएट किए जा सकते हैं और इन्हें बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और आई नो कि आप मेरे लैगिंग डी आई वाई सबसे ज्यादा पसंद करते हैं सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए लेगिंग डी आई वाई ऑलरेडी बना के रखे हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन पर एक नजर डाल लेते हैं सो so, so, यहाँ मैंने कुछ पांच से छह लेगिंग डी आई वाई ऑलरेडी बना के रखे हैं। सो नंबर वन हॉल्टन एक टॉप विथ लीज सेकेंड फ्रिंज नेकलेस ये कुछ इस तरह का है थर्ड ऑफ शोल्डर टॉप ये बहुत ही क्यूट लगता है पहनने के बाद में फोर्थ कॉलर नेकलाइन टॉप ये कुछ इस तरह का है इसमें ऊपर से इस तरह से कॉलर गई हुई है एक्चुअली ये मैंने अपनी सेमी प्रिंटेड लेगिंग के साथ में बनाया था सो so, इसका जो प्रिंट वाला पार्ट है वो मैंने स्लीव में यूज किया हुआ है आप चाहे तो इसे सिंपल लेगिंग के साथ भी बना सकते हैं फिफ्थ ऑफ शोल्डर पैपलम टॉप ये कुछ इस तरह का दिखता है आप इसे एज अ सिंपल ऑफ शोल्डर टॉप भी पहन सकते हैं दो तीन वेराइटी बताई है मैंने इसमें सिक्स ट्यूब टॉप के कुछ वेरिएशन बताए हैं मैंने इसमें बेल्ट स्लीव अटैच करके पहन सकते हैं आप सिंपल ट्यूब के साथ में पहन सकते हैं सिंपल स्लीव अटैच कर सकते हैं ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और इन सारे ओल्ड वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं और आज हम बनाने वाले हैं हॉल्टर नेक पैपलम टॉप हमारी पुरानी लेगिंग के साथ में सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर sure, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब के पड़ोस में एक छोटा सा बेलाइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं सो दिस इज माई ओल्ड लैगिंग इसके साथ हम बनाने वाले हैं हॉल्टर नेक पैपलम टॉप सो so, सबसे पहले हम लेगिंग के ऊपर वाले पार्ट से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे सो so, यहाँ से मैं अपने बेसिक हॉल्टर नेक क्रॉप टॉप की लेंथ मार्क करने वाली हूँ मैं इसे 15 इंच पर रखने वाली हूँ सो so, मैं यहाँ से इसे 15 इंच पे मार्क कर लूँगी अब इस लेंथ वाले पॉइंट से आड़े में हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे कुछ इस तरह से अब इस सिक्स इंच वाले पॉइंट से हम लोग डाउन साइड आएंगे सेवन इंच और यहाँ पर इसे सेवन इंच पे मार्क कर लेंगे अब हम हमारी लेगिंग के इस वाले कॉर्नर से सेवन इंच अप आएंगे और यहाँ पे सेवन इंच पे मार्क कर लेंगे लाइक like सो so. अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे सो सो सॉरी मैंने अपना स्केल पता नहीं कहाँ रख दिया है अब मैं रैंडम चीजों के थ्रू इसे मार्क कर रही हूँ आप स्केल का यूज करें ज्यादा बेटर रहेगा सो so, सारे पॉइंट मिला लेने के बाद में ये होने वाला है मेरे लेगिंग का आम होल वाला कॉर्नर सो so, मैं इसे यहाँ पे हल्का सा कर्व दे दूंगी कुछ इस तरह से अब इसे मार्किंग वाले एरिया से कट करना स्टार्ट करेंगे सो यू कैन सी प्रॉपर कट होने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा सो so अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे सो so ये है मेरे टॉप का बैक पार्ट ये कुछ इस तरह का है यू कैन सी अब हम इसे इस तरह से हैम कर लेंगे तीनों साइड में प्रॉपर हैम करना है हमें इसे टॉप के साइड और बैक हैम कर लेने के बाद में इसे ऊपर से भी इस तरह से हैम कर लेंगे सिंगल हैम कर लेने के बाद में इसे एक फोल्ड और करना है ये फोल्ड एटलीस्ट हाफ इंच का होना चाहिए बिकॉज इसमें हम डोरी पास करने वाले हैं सो टॉप को सभी जगह से हैम कर लेने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा यू कैन सी अब हम लेगिंग के बचे हुए फैब्रिक को कुछ इस तरह से बिछा लेंगे आप सबसे पहले इसके कॉर्नर से एक लॉन्ग स्ट्रिप कट कर लेंगे ये स्ट्रिप कट हो जाने के बाद में बाकी का फैब्रिक साइड कर देंगे और इस वाली स्ट्रिप पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इस तरह से पुल कर लेंगे ताकि ये प्रॉपर फिनिश हो जाए अब जो हमारे टॉप का ऊपर वाला पार्ट है उसे इस तरह से बिछा लेंगे और ये स्ट्रिप इसमें पास करना स्टार्ट करेंगे यहाँ मैं पिन के थ्रू इसमें स्ट्रिप पास कर रही हूँ कुछ इस तरह से यू कैन सी ये स्ट्रिप पास कर लेने के बाद में ये है मेरे टॉप का अपर पार्ट ये कुछ इस तरह का दिखेगा यू कैन सी फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरह का है और बैक साइड से ये कुछ इस तरह का है मैं इसके अपर पार्ट को एक बार पहन के देख चुकी हूँ ये मुझे बैक साइड से थोड़ा सा लूज हो रहा है सो मैं यहाँ से इसे टू इंच पे सिलाई लगाने वाली हूँ फिटिंग के लिए अब हम हमारे टॉप के अपर पार्ट को साइड कर देंगे और पैपलम के लिए वर्क करना स्टार्ट करेंगे अब हम एक बार फिर से हमारे लेगिंग के बचे हुए फैब्रिक को कुछ इस तरह से बिछाएंगे और जो हमारे लेगिंग का जॉइंट वाला पार्ट है यहां से इसे कट करना स्टार्ट करेंगे इसे जॉइंट से कट कर लेने के बाद में हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे दूसरे वाले पैर में भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है और इसे कट कर लेना है सो यू कैन सी हमारे पास फैब्रिक के दो पीसेस आ गए हैं एक जैसे अब हम इन्हें बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे जो फैब्रिक इधर आसपास से तिरछे में कटा हुआ जा रहा है इस साइड से तिरछा जा रहा है इन्हें प्रॉपर बराबर कट कर लेंगे फैब्रिक की दोनों लेयर को बराबर कट कर लेने के बाद में अब इसे आड़े में इस तरह से जॉइन कर देंगे यहाँ से मैं इसे जॉइन करने वाली हूँ इन दोनों फैब्रिक्स को जॉइन कर लेने के बाद में यू कैन सी हमारे पास एक लॉन्ग फैब्रिक आ गया है अब इस जॉइन किए हुए लॉन्ग फैब्रिक को एक साइड से पूरा हेम कर देंगे जो हेम वाला साइड है वो हमारे टॉप में नीचे की साइड आएगा सो यू कैन सी मैंने इस लॉन्ग फैब्रिक को नीचे की साइड से पूरा हैम कर लिया है सारी हैमिंग मैंने स्टिचिंग मशीन के थ्रू की है आप चाहें तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं अब हम हमारे टॉप के अपर पार्ट को कुछ इस तरह से बिछाएंगे और इसके वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हमारे पेप्लम में गैदर्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे गैदर्स क्रिएट कर लेने के बाद में हम इसे केयरफुली इसमें अटैच कर देंगे एंड दैट्स इट हमारा हॉल्टर नेक पेपलम टॉप रेडी है सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर